नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी, प्रस्तुत है समाचार। गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। आज गढ़वा के होटल एसएनसी गरीब असहाय लोगों के बीच 400 कंबलों का वितरण किया। वहीं होटल के मालिक राजू चौबे ने कहा कि बढ़ती ठंड में जरूरतमंदों की सेवा सबसे बड़ा पुनित कार्य है। उन्होंने कहा कि आगे प्रत्येक महीना एक निर्धारित तिथि को गरीब असहाय लोगों के बीच भोजन का वितरण किया जाएगा। उससे जहां गरीबों को सहायता मिलेगी, वहीं समाज में एक प्रेरणा देने वाली बात हुई सामने आएगी। समाज सेवी राकेश पाल ने कहा कि गरीबों की मदद करना सबसे बड़ा पुनित कार्य है। इस तरह के आयोजन होने से गरीबों को लाभ मिलता है। उन्होंने कहा कि होटल एसएनसी के संचालक राजू चौबे एक सराहनीय कार्य कर रहे हैं, इसके लिए भी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि आगे भी कई तरह के कार्यक्रम चलाए जाएंगे जिसमें गरीबों को बढ़ चढ़ कर मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि ठंड बढ़ गई है, ऐसे में गरीबों के लिए कंबल काफी सहयोगकारी साबित होंगे। समाज सेवी से झामुमो नेता कंचन साहू ने कहा कि इस तरह के आयोजन कर एसएनसी के संचालक ने सराहनीय कार्य किया है। इस तरह के आयोजन से जहां गरीबों को लाभ मिलेगा, कोई समाज में भी एक प्रेरणादायी मैसेज भी जाएगा। उन्होंने कहा कि गरीबों को मदद के लिए सभी लोगों को आगे आना चाहिए। मौके पर व्यवसायी संघ के अध्यक्ष राजेश गुप्ता उर्फ फंतोष, संजू चौबे, राजू चौबे, संतोष मिश्रा, हिमांशु मिश्रा, गौरव मिश्रा, विकी राहुल, सत्येंद्र शामिल थे। होटल एसएनसी के प्रांगण में मकर संक्रांति के उपलक्ष पर कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके लिए मैं होटल एसएनसी के प्रोप्राइटर श्री राजू चौबे जी को बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद देता हूं, जिनके प्रयास से यह सफल आयोजन हो रहा है। आज हम लोगों ने गरीब असहाय व जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण एवं तिलकुट चूड़ा लाई इत्यादि का वितरण किए। मन को बहुत शांति मिली, अच्छा लगा। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जो आज कंबल वितरण का कार्यक्रम हुआ, तो उसके पीछे जो मोटिव रहा है या जो सोच रही है कि निश्चित रूप से जो असहाय हैं उनको आवश्यकता है, और कहीं ना कहीं हम हर कोई अपने लिए कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन उनके लिए भी करना एक कर्तव्य बनता है। और ईश्वर से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर मुझे उस लायक बनाए कि मैं इनके लिए हमेशा खड़ा हो सकूँ, उनकी जरूरत को पूरा कर सकूँ। और आगे भी एक प्लानिंग है दिमाग में, सोचा जा रहा है कि कम से कम महीने में एक बार 100 गरीबों को एक सामूहिक रूप से उनके साथ भोजन का कार्यक्रम रखूंगा अपनी तरफ से, ताकि जो असहाय गरीब जो भोजन से वंचित रह जा रहे हैं, तो इस कड़ी में कम से कम एक छोटा सा सहायता, एक छोटी सी मदद उनको कर सकूंगा। और मेरा सौभाग्य होगा अगर इस तरह का कार्यक्रम मैं कर सकूँ, उनको खिला सकूँ। ये निरंतर भोजन का कार्यक्रम चलते रहेगा? जी हाँ, प्रयास यही है कि मैं निरंतर महीने में एक दिन, कोई भी एक दिन तय कर लेंगे और निरंतर इसको जारी रखने का पूरा प्रयास रहेगा। गढ़वा का गौरव हरे भरे गार्डन से सुशोभित उत्सव गार्डन, 400 कुर्सी का एसी हॉल, अन्य 100 कुर्सी का दो हॉल, 4 एसी डिलक्स रूम, 5 डिलक्स रूम, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, 1600 लोगों को एक साथ मीटिंग करने की सुविधा, मैरिज लॉन, बुकिंग के लिए संपर्क करें। उत्सव गार्डन, कचहरी रोड, बिजली ऑफिस के सामने, गढ़वा।